कोरोना वायरस को हराने और लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए पुलिस कर्मी 24 घंटे सड़कों पर ड्यूटी करते हुए देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच यह भी जरूरी है कि हमारे पुलिस कर्मी सुरक्षित रहें। इस महामारी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मी सभी तरह के एहतियात तो बरत ही रहे हैं, लेकिन पुलिस वाहन भी किसी संक्रमण के संपर्क में ना आए, इसके लिए बीते दिन इंदौर पुलिस ने व्हीकल सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया। दरअसल इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य पुलिस की गाड़ियों को रोजाना शहर के संवेदनशील क्षेत्र और कंटेनमेंट एरिया आदि में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निरंतर रूप से जाना होता है, जिसके कारण इन गाड़ियों के जरिए भी संक्रमण फैलने की आशंका होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए थाना चंदन नगर के आरक्षक 3158 रामकृष्ण रघुवंशी ने पुलिस की गाड़ियों को सैनिटाइज करने का सोचा। इसके बाद यूट्यूब और विभिन्न जगहों से जानकारी जुटाकर व्हीकल सैनिटाइजर मशीन बनाई। बता दें, इस मशीन की सहायता से पूरी गाड़ी को चंद सेकंड्स में ही सैनिटाइज किया जा सकता है। वहीं आरक्षक रामकृष्ण रघुवंशी द्वारा तैयार की गई इस व्हीकल सैनिटाइजर मशीन का इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने उद्घाटन किया और आरक्षक रामकृष्ण के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंदौर पुलिस के इसी जज्बे से हम इस कोरोना की जंग को जरूर जीतेंगे। इस मौके पर उन्होंने आरक्षक 3158 रामकृष्ण रघुवंशी को 1000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। बता दें, उक्त व्हीकल सैनिटाइजर मशीन को डीआरपी लाइन में स्थापित किया गया है, जहाँ पर पुलिस की सभी गाड़ियों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।